Hello student, this is our third unit, our environment, and we are going to discuss our eighth lesson of class 5th SST, environmental pollution. The point that we are going to discuss in these lessons are pollution and how can we save the environment from this pollution, how we can prevent our environment. तो जो आपका जो आज का लेसन है फिफ्थ की एसएसटी का एट्थ लेसन वो है आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण. और जो मेन पॉइंट रहने वाले हैं जिनको हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे वो है पोल्यूशन और सेविंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेव करना. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. द लेसन environment means the surrounding in which we live. Environment means the surrounding in which we live. Human beings are an integral part of the environment. They depend mainly on it and use its natural resources directly or indirectly in their day-to-day activity of life. The environment is just the right mixture of natural resources such as land, water, and air which support our survival. तो गाइस सबसे पहले आपको environment के बारे में जानना है कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है. पर्यावरण वो सारी चीजें हैं, biological और चाहे फिजिक, जो हमारे चारों ओर की जो भी चीजें हैं वो हमारा क्या है, environment है. environment means environment का अर्थ है the surrounding, हमारा चारों ओर, इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं. ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स मीन इसका आंतरिक पार्ट है ऑफ एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग जो मानव है वो इसका सबसे आंतरिक जो पार्ट है एनवायरनमेंट का. दे डिपेंड मेनली ऑन इट, वो मुख्य रूप से एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. कौन डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर? इट फॉर एनवायरनमेंट एंड दे फॉर ह्यूमन बींग्स. एंड यूज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स environments, natural resources को जो human being है वो directly और indirectly, direct mean प्रत्यक्ष रूप से और indirect mean अप्रत्यक्ष रूप से, जो natural resource हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका अपने जीवन की activities जो है, activities of life, जो जीवन की गतिविधियां हैं, day to day activity, जो हर दिन की जो life की activities हैं, उनको direct या इनडायरेक्ट तरीके से इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करता है. कौन करता है? ह्यूमन. द एनवायरनमेंट इज जस्ट द राइट मिक्सचर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एनवायरनमेंट जो है वो एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसके अंदर लैंड, वाटर, एयर आता है, विच सपोर्ट आवर सर्वाइवल, जो हमारे सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन होता है जीवित रहना, हमारे जीवित रहने को सपोर्ट करता है, सहारा देता है. Natural resources supports our increasing population and its needs. However, in the name of need and development, we have played havoc with our nature. The destruction human activity, the destructive human activity have resulted into the degradations of environment. Degradation often lead to pollution. Let's study what is pollution and how does it occur in different ways. Natural resources support our increasing population and its need. जो increasing population है और इसकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कौन करता है, उनको support कौन करता है? Natural resources करते हैं, जैसे land, water, air, जो ये natural resources हैं, ये हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और जो उस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा करता है. However, in the name of need and development, फिर भी need और development, आवश्यकता और विकास के नाम पर we have played havoc, हमने क्या है, एक भयंकर खेल खेला है हमारी नेचर के साथ, हमारी प्रकृति के साथ हमने क्या कर दिया है, एक भयंकर, एक डरावना havoc, एक भयशील, एक फियरफुल जो नाटक है वो हमने खेला है. द डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी, जो ये विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव मीन विनाशकारी ह्यूमन एक्टिविटी, मानव क्रियाएं हैं,
हैव रिजल्टेड इनटू डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट के अंदर कमी जो है वो ला दी, एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसके अंदर कमी ला दी है, डिग्रेड कर दिया है इसको, इसके अंदर उसकी क्वालिटी को क्या है कम कर दिया है। डिग्रेडेशन ऑफन लीड टू पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन जो है वो प्राय किसकी ओर बढ़ावा करती है, पॉल्यूशन की ओर। अगर किसी चीज के अंदर कमी आ जाए, किसी की क्वालिटी के अंदर कुछ भी कमी आती है तो वो पॉल्यूशन की ओर लीड करता है। लेट्स स्टडी व्हाट इज पॉल्यूशन, आओ अध्ययन करें कि पॉल्यूशन क्या है एंड हाउ डज इट अकर इन डिफरेंट वे, और ये किस प्रकार से अकर घटित होता है अलग अलग तरीकों से। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज पॉल्यूशन, द कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट, लैंड एयर एंड वाटर बाय वेस्ट, स्मॉग, chemical and other harmful substances is called pollution. जो contamination होता है, जो कमी आती है environment के अंदर जो कमी आती है contaminant हो जाता है, किससे, waste से, smog से, chemical से और दूसरे जो harmful substance होता है पदार्थ, जो harmful नुकसानदायक पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, व्यर्थ चीज़ें हैं, स्मोक है, धुआं है, केमिकल्स हैं, रसायन हैं, उनकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर कमी जो आती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पॉल्यूशंस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन, देन यू विल से द कंटेमिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय वेस्ट, स्मोक, केमिकल एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। वेस्ट सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशंस आर कॉल्ड प्लूटेंट, प्लूटेंट मीन प्रदूषक, पॉल्यूशन मीन प्रदूषण। जो वेस्ट सब्सटेंस हैं, जो बेकार के जो पदार्थ हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उनको क्या बोलते हैं, प्लूटेंट बोलते हैं, प्रदूषक कहते हैं। द चीफ टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सोइल कंटेमिनेशन और लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मेनली अकर इन लार्ज सिटीज एंड नियर फैक्ट्रीज। जो मुख्य पॉल्यूशंस के प्रकार हैं, जो प्रदूषण के मेन जो टाइप हैं वो है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सोइल कंटेमिनेशन या लैंड पॉल्यूशन, दोनों सेम नेम है, और नॉइज पॉल्यूशन। मेनली फोर टाइप का है पॉल्यूशन। और जो पॉल्यूशन होता है मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, अक्सर होता है लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों और नियर फैक्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और जो बड़े बड़े शहर हैं उनके पास जो है प्रदूषण की जो एक्टिविटी जो होती है, प्रदूषण की जो दर होती है, जो रेट होती है वो ज्यादा होती है। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर गेट्स पोल्यूटेड इन मैनी वेज, कोल एंड पेट्रोलियम आर बर्न्स टू रन मशीन्स इन फैक्ट्री एंड गेट हीट एंड लाइट। द व्हीकल्स ऑन द रोड release harmful gases, factories and transport are major source of pollution. Factories and vehicles emit smog which in most cases contains harmful substance that mix with the air. In many places smog from factories and cars combined with the naturally occurring fog to form smog. Air get polluted, air jo hai pollute hoti hai many ways, kai tarikon se। कोल और पेट्रोलियम जो है आर बर्न्स, रन मशीन, मशीन्स को रन करने के लिए कोयल को, कोले को और पेट्रोलियम को जलाया जाता है। इन फैक्ट्रीज एंड गेट हीट एंड लाइट, फैक्ट्रीज के अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, रन मशीन को रन करने के लिए और फैक्ट्री के अंदर हीट और लाइट गेट करने के लिए कोल और पेट्रोलियम को जलाया जाता है। द व्हीकल ऑन रोड रिलीज हार्मफुल गैसेस, और जो रोड पे चलने वाले व्हीकल हैं, जो वाहन हैं, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर एट्सेट्रा, वो क्या करते हैं, रोड पे चलने के दौरान रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, हार्मफुल गैसेस, नुकसानदायक गैसें छोड़ते हैं। फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट आर मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, तो फैक्ट्रीज और जो ट्रांसपोर्ट है, जो यातायात है, बस, कार, स्कूटर, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल,
ये जो है मेन सोर्स है, संसाधन है पॉल्यूशन के। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स अमिट, अमिट मीन छोड़ना। स्मोक विच इन मोस्ट केसेस कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंस। फैक्ट्रीज और व्हीकल जो है वो धुआं छोड़ते हैं, जिनमें ज्यादातर केसेस के अंदर हार्मफुल जो सब्सटेंस है, जो नुकसानदायक पदार्थ है, वो कंटेन होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि मिक्स विद द एयर, जो हवा में घुल मिल जाते हैं। इन मैनी प्लेसेस स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कार्स कंबाइन विद नेचुरली अकरिंग फॉग, जो प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला जो फॉग है, जो धुंध है, उसके अंदर कई जगहों पर स्मोक जो फैक्ट्री से और कार से निकलता है वो कंबाइन हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और जो क्या बनाता है, स्मोक। SMOKE, स्मोक का SM और फॉग का OZ, स्मोक, धुम कोहरा। स्मोग और फॉग दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया गया है, स्मोग। एयर पोल्यूशन इज द कॉज ऑफ अ नंबर ऑफ डिजीज पर्टेनिंग टू आवर लंग्स एंड आईज। नॉट ओनली ह्यूमंस बट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सफर फ्रॉम एयर पोल्यूशन। प्लांट विल नॉट बी एबल टू मेक फूड प्रॉपरली ड्यू टू एयर पोल्यूशन। दिस कैन स्टन देयर ग्रोथ। एयर पोल्यूशन इज कॉज ऑफ नंबर ऑफ डिजीज। एयर पोल्यूशन जो है कई बीमारियों का कारण है। पर्टेनिंग्स टू आर लंग्स, जो हमारे लंग्स के ऊपर पर्टेन करता है, अटैक करता है, अटैक कर रहा है, आइज के ऊपर अटैक कर रहा है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग, ना केवल मानव बल्कि जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, वो भी एयर पोल्यूशन से सफर करते हैं, पीड़ित हैं। प्लांट विल नॉट बी एबल टू मेक फूड प्रॉपरली। इस एयर पोल्यूशन की वजह से प्लांट जो है वो अपना भोजन बनाने में प्रॉपर तरीके से सक्षम नहीं होते, एबल नहीं होते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि दे कैन, दिस कैन स्टंट, स्टंट मीन स्टॉप देयर ग्रोथ, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है, उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस बाय हार्मफुल सब्सटेंस दैट कैन कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट एंड लिविंग बींग इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। तो वट इज वाटर पोल्यूशन, देन यू विल से द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस बाय हार्मफुल सब्सटेंस दैट कैन बी कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट एंड लिविंग बींग इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि जो वाटर सोर्सेस हैं हार्मफुल सब्सटेंस के द्वारा, जो कि हार्मफुल इन्वायरमेंट के लिए और लिविंग बींग के लिए हार्मफुल होते हैं, उस प्रकार का जो वाटर कंटेमिनेशन है, पानी का प्रदूषण होना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट आर रिलीज इन टू वाटर विच कॉज वाटर पोल्यूशन। फैक्ट्रीज पोल्यूट वाटर बाई डंपिंग ऑयल्स, पॉइजनस केमिकल एंड अदर हार्मफुल वेस्ट इन द नियर बाई वाटर बॉडीज। वॉशिंग क्लोथ एंड यूटेंसिल्स और बाथिंग ऑफ एनिमल इन रिवर इन रूरल एरिया ऑल्सो कोज वाटर पोल्यूशन। फार्मर्स यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू ग्रो बेटर क्रॉप्स। वैन दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स सीप इन टू ग्राउंड दे कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर। समटाइम्स लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ऑल्सो पोल्यूट वाटर। दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स रिलीज इन टू रिवर। इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड जो वेस्ट है, घरों से निकलने वाला व्यर्थ का पदार्थ और जो इंडस्ट्रियों के से निकलने वाले वेस्टेज हैं, वो जब पानी में छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो जाता है। फैक्ट्री जो है पोल्यूट करती है वाटर को, कैसे, डंप करके, ऑयल को उसके अंदर गिरा करके, पॉइजनस केमिकल को उसके अंदर गिरा करके, और दूसरे हार्मफुल वेस्ट को वाटर बॉडीज के अंदर गिरा करके जो फैक्ट्रीज हैं वो पानी को प्रदूषित करती हैं। वॉशिंग क्लोथ, कपड़ों को धोना, यूटेंसिल, बर्तनों को धोना, और बाथिंग ऑफ एनिमल, पशुओं को नहलाना इन रिवर, नदियों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, जो पानी का प्रदूषण, पानी प्रदूषण के कॉजेज हो सकते हैं। फार्मर यूज केमिकल फर्टिलाइजर। फार्मर क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर मीन रासायनिक खादें, पेस्टिसाइड, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, टू ग्रो बेटर क्रॉप्स।
अच्छी फसल बेहतर फसल पैदा करने के लिए किसान जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। व्हेन दीज केमिकल फर्टिलाइजर, जब ये केमिकल फर्टिलाइजर जो ये रासायनिक खादे हैं, शीप इनटू ग्राउंड, पानी के ग्राउंड के अंदर शीप होती हैं, घुल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, दे कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर, वे जो है ग्राउंड वाटर को, भूमिगत पानी को कंटेमिनेट कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। समटाइम लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर, कई बार ऑयल टैंकर से जो है लीकेज हो जाती है, रिसाव हो जाता है, लीकेज मीन रिसाव होता है, जिससे वाटर जो है वो पल्यूट हो जाता है। पल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, वेन वी ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर वी फॉल इल, डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डिजेंट्री एटसेट्रा आर आर कॉज बाई कंटेमिनेट वाटर। वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द मैरिन लाइफ। पॉल्यूटेड वाटर जो है लिविंग बींग्स, जो सजीव हैं, उनके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। When we drink contaminated water, जब हम प्रदूषित पानी पीते हैं, we fall ill, हम बीमार पड़ जाते हैं। Disease, बीमारियां जैसे कि कोलेरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, डिजेंट्री है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो contaminated प्रदूषित पानी पीने से होती हैं। Water pollution also destroy the marine life, जो मैरिन लाइफ है, जो समुद्री जीवन है, उसको जो वाटर पोल्यूशन है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। वाटर शुड बी यूज्ड वाइजली, हार्मफुल वेस्ट लाइक केमिकल, ऑयल पेंट्स एंड मेडिसिंस एटसेट्रा शुड नॉट बी थ्रोन इन द वाटर बॉडीज। एनवायरमेंट फ्रेंडली लिक्विड प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड टू क्लीन होम्स एंड अदर प्लेसेस। पानी का इस्तेमाल बड़े वाइजली तरीके से, बड़ी बुद्धिमानी से करना चाहिए। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन? By using water wisely, पानी को वाइज तरीके से, बुद्धिमानी तरीके से इस्तेमाल करके। Harmful waste like chemical, नुकसानदायक जो वेस्ट हैं, जैसे केमिकल है, ऑयल पेंट है और मेडिसिंस हैं, दवाइयाँ हैं, इनको वाटर बॉडीज के अंदर, जो जल भंडार हैं उनके अंदर नहीं फेंकना चाहिए। Environment friendly liquid, जो पर्यावरण जो फ्रेंडली जो लिक्विड हैं, द्रव्य हैं, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए घरों को और दूसरे जगहों को साफ करने के लिए। तो ये कुछ एक मीजर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम वाटर पोल्यूशन को रोकने में कर सकते हैं। पावर प्लांट्स आर यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दीज पावर प्लांट कोज अबाउट 3,000 लंग्स कैंसर कोज केसेस एंड ओवर 35,000 हार्ट अटैक इन USA अलोंग ऑन वन ईयरली बेसिस। अगर हम एक वार्षिक आधार पर देखें तो जो पावर प्लांट हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनकी वजह से 3,000 लंग कैंसर के केसेस और 35,000 हार्ट अटैक के केसेस हैं अकेले USA के अंदर। लैंड और सोयल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस थ्रू द मिस यूज ऑफ सोयल। लैंड पोल्यूशन क्या है गाइज? लैंड सोल्यूशन पोल्यूशन जो है वो डिग्रेडेशन है अर्थ लैंड सरफेस का, मिस यूज ऑफ सोयल, सोयल के मिस यूज की वजह से जो अर्थ लैंड सरफेस है उसके डिग्रेडेशन को लैंड पोल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर जो कमी आती है, उसकी क्वालिटी के अंदर जो कमियां आती हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैंड पोल्यूशन, लैंड और सोयल पोल्यूशन। द मेन कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन आर ओपन डंपिंग ऑफ गार्बेज, कटिंग ऑफ ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पीपल थ्रो अराउंड वेस्ट items like paper, plastic, containers, bottles and cans, industrial waste including chemical which also pollute land. तो किन किन वजहों से जो है लैंड पोल्यूशन होता है? वो होता है ओपनिंग डंपिंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज कूड़े करकट को खुले में डंप करना, फेंकना, कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों को काटना, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, औद्योगिक जो व्यर्थ हैं, और रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और जो गलत खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। पीपल क्या करते हैं? लोग थ्रो अराउंड वेस्ट आइटम्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, कंटेनर,
बॉटल और केन्स, लोग जो वेस्ट आइटम है जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, कंटेनर है, बर्तमान है, बोतल है और केन्स को खुले में फेंक देते हैं, अपने चारों ओर फेंक देते हैं। इंडस्ट्रियल जो है वो केमिकल को फेंकती है, केमिकल का वेस्ट मटेरियल इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन हो जाता है। दिस विल रिजल्ट इन द इनफर्टिलिटी ऑफ सोयल, ट्रीज विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन इट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। लैंड पोल्यूशन इज अ सीरियस थ्रेट टू एनवायरमेंट। तो इसकी परिणाम क्या होता है गाइस, लैंड पोल्यूशन का, लैंड पोल्यूशन की वजह से जो सोयल की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, वो कम हो जाता है, यानी इनफर्टिलिटी आती है, उसकी भूमि जो है बंजर बनने का खतरा रहता है। ट्री विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन इट, इस प्रकार की भूमि के अंदर जो है पेड़ उगने के योग्य नहीं होते, सक्षम नहीं होते, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, वो इसके अंदर बच नहीं पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। लैंड पोल्यूशन इज अ सीरियस थ्रेट, लैंड पोल्यूशन जो है एक बड़ी गंभीर थ्रेट है, चेतावनी है इन्वायरमेंट को। नॉइस पोल्यूशन, एनी लाउड साउंड दैट इज बियॉन्ड द कंफर्ट लेवल ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज नॉइस पोल्यूशन। व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन अ लाउड साउंड, एनी लाउड साउंड, कोई भी उच्च ध्वनि जो कि कंफर्ट लेवल, जो हमारा जो कंफर्ट लेवल है लिविंग बीइंग का सुनने का, उससे ऊपर हो, परे हो, बियॉन्ड हो, बियॉन्ड मीन परे, उसको क्या बोलते हैं? नॉइस पोल्यूशन होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन हियर द सॉफ्टेस्ट साउंड ऑफ इंटेंसिटी 20 डेसिबल्स, साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो जो 20 हर्ट्स जो डेसिबल की जो इंटेंसिटी है, ह्यूमन बीइंग उतनी ही सॉफ्ट ध्वनि जो है वो सुन सकता है। अगर 90 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि मनुष्य सुने तो वो उसके कानों के लिए नुकसानदायक है। नॉइस पोल्यूशन मे बी कॉज्ड बाय लाउड एंड हार्श हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, साउंड ऑफ मशीन्स, हाउस होल्ड गैजेट्स, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। द लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज डेंस डेंसेट्स इन द इंडस्ट्रियस एंड ट्रेड सेंटर। नॉइस पोल्यूशन का वजह क्या है गाइस? एक तो वजह है इसकी लाउड और हार्श होर्न्स, जो तीखे और कानों को झंझनाहट पैदा करने वाले जो व्हीकल्स के हॉर्न हैं उनकी वजह से, मशीनों से निकलने वाले साउंड से, हाउस होल्ड गैजेट से, जो हाउस होल्ड में हम कोई भी गतिविधि करते हैं उनकी वजह से, और जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, उनके फूटने से निकलने वाले साउंड से, लाउड स्पीकर जो हम फेस्टिवल और वेडिंग के दौरान यूज करते हैं, उनकी वजह से जो है नॉइस पोल्यूशन जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। द लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज डेंसेस्ट इन द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर। जो व्यापार के केंद्र, व्यापारिक केंद्र हैं और जो औद्योगिक केंद्र हैं, वहां पे सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। नॉइस पोल्यूशन नॉट ओनली इफेक्ट ह्यूमन बींग, नॉइस पोल्यूशन किन किन को इफेक्ट करता है? नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट बर्ड्स एंड एनिमल ऑल्सो। नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट आवर ईयर्स एंड मेंटल पीस। इट इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस, इरिटेशंस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड लूज ऑफ हियरिंग। तो क्या नुकसान है नॉइस पोल्यूशन के? ये ना केवल ह्यूमन बींग को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, बल्कि पक्षियों और जानवरों को भी प्रभावित करता है। नॉइस पोल्यूशन की वजह से हमारे कान और हमारी जो मेंटल पीस है, जो हमारी मानसिक शांति जो है, वो भंग होती है। इसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? स्ट्रेस हो सकती है, तनाव हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, हमारी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी पाचन समस्याएं हैं, वो बढ़ सकती हैं, और कई बार तो सुनने की क्षमता जो है उसके खो जाने का खतरा भी रहता है। टू स्टॉप नॉइस पॉल्यूशन वी शुड प्ले म्यूजिक एट सेफ लेवल विच डू नॉट डैमेज आवर ईयर्स एंड डिस्टर्ब आवर नेबर्स। देयर शुड बी अ बैन ऑन लाउड स्पीकर एंड लाउड म्यूजिकल हॉर्न्स। तो कैसे हम बच सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन से? हमें क्या करना चाहिए? म्यूजिक को सेफ लेवल पे बजाना चाहिए, जिससे कि वो हमारे कानों को डैमेज ना करें, क्षति ना पहुंचाएं, और ना ही हमारे पड़ोसियों को वो डिस्टर्ब करें। और लाउड स्पीकर और जो लाउड म्यूजिकल हॉर्न्स हैं उनके ऊपर बैन होना
चाहिए, उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। फाइंड आउट द पोल्यूशन पोल्यूटेंट में ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच काइंड ऑफ पोल्यूशन, ऑल्सो फाइंड आउट द वे इन विच पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। ये अपने खुद बताना है कि इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। वी मीजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल्स। स्टेडली एक्सपोजर्स टू साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल कैन कोज परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। अगर आप निरंतर 90 डेसिबल की जो लाउड है साउंड है उसे सुनते हैं तो आपको परमानेंट स्थायी जो बहरापन हो सकता है। सेविंग द एनवायरनमेंट, हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट। इट हैज बिकम्स कंपल्सरी फॉर अस टू लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट। हियर आर सम वे इन विच वी कैन प्रिवेंट डैमेज ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इट हैज बिकम कंपल्सरी, कंपल्सरी नेसेसरी, जरूरी है, आवश्यक बन गया है फॉर अस, हमारे लिए, टू लुक आफ्टर, देखभाल करना एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट की देखभाल करना हम सभी के लिए जरूरी बन चुका है। क्यों बन चुका है ये हम पढ़ेंगे आगे। हेयर आर सम वेज, कुछ मीजर्स दिए गए हैं जिनकी वजह से, जिनका उपयोग करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज होने से, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहला है, पहला मीजर है गाइस, प्लांट अ ट्री फॉर एवरी ट्री कट डाउन। प्रत्येक पेड़ को काटने पर एक नया जो है प्लांट, पौधा जो है वो लगाएं। प्लांट करें सेव फ्यूल, सिंस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेस एयर पोल्यूशन, वॉक और साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस टू सेव फ्यूल। फ्यूल, फ्यूल जो ईंधन है उसको बचा कर रखें, क्योंकि जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, इनको जलाने से एयर पोल्यूशन का खतरा रहता है, एयर पोल्यूशन का कारण होता है। पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें, छोटी दूरी तय करने के लिए पैदल जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि फ्यूल को बचाया जा सके। रिड्यूस द यूज ऑफ अननेसेसरी मटेरियल दैट इंक्रीज गार्बेज एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, कैरी योर ओन बैग व्हेन यू गो शॉपिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम द शॉपकीपर। प्लास्टिक बैग कॉज लैंड पोल्यूशन। रिड्यूस द यूज ऑफ अननेसेसरी मटेरियल, रिड्यूस, कमी करें अननेसेसरी मटेरियल, जो अन उपयोगी, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उन मटेरियल का इस्तेमाल कम करें। दैट इंक्रीज गार्बेज, जो कि कूड़ा करकट बढ़ाते हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप अपना कैरी बैग घर से लेके जाएं जब आप शॉपिंग करने, किसी भी प्रकार की खरीदारी करने जाते हैं, ना कि शॉपकीपर से आप प्लास्टिक बैग खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो है वो लैंड पोल्यूशन का कारण होता है। टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन, वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, नॉट हॉन्क द कार हॉर्न्स अननेसेसरली एटसेट्रा। टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, हमें जो है लाउड म्यूजिक नहीं प्ले करना चाहिए और ना ही बार बार जो है अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से कार के हॉर्न को बजाना चाहिए। सम ऑफ द पोल्यूटेंट सच एज पील्स, पेपर, लेफ्ट ओवर फूड विल नॉट रोट एंड गेट अब्सॉर्ब्ड बाय द सोल। इन दिस वे द वेस्ट आर रिसाइकल्ड बाय नेचर। सच वेस्टेज डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट एंड कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं गाइस? दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। द वेस्ट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। वो वेस्ट पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव जो हैं डिग्रेडेबल कर देते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो कुछ एक पोल्यूटेंट जैसे कि पील्स होते हैं छिलके, पील्स मीन क्या होते हैं छिलके, पेपर्स, कागज, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, विल नॉट रोट, विल रोट क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, सड़ जाएगा, एंड गेट अब्सॉर्ब्ड बाय सोल, और उनको क्या किया जाएगा, वो जो है सोल के द्वारा अब्सॉर्ब, सोख लिया जाएगा, अपने आप के अंदर मिक्स कर लिया जाएगा। इस प्रकार से द वेस्ट आर रिसाइकल्ड बाय नेचर, इस प्रकार से जो वेस्ट है उनको रिसाइकल कर लिया जाता है, यानी दोबारा से उपयोग लाने के लायक कर दिया जाता है, और इन
वेस्टेज को जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते और जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, इन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव स्ट्रिक्ट emissions law that do not allow factories and vehicles to pollute the air. Regular checks are necessary to ensure that these factories obey the laws. Most in countries, ज़्यादातर जो देश हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, have strict emissions. एक सख्त नियम जो है उन्होंने emission कर दिया है, बना दिया है, that do not allow factories and vehicles to pollute the air. जो factories को और vehicles को air को pollute करने की अनुमति नहीं देते. रेगुलर रेगुलर चेकअप चेक्स जो नियमित चेक हैं, जो जो ये लॉ बनाए गए हैं इनको ये देखने के लिए कि क्या जो फैक्ट्रीज हैं इन कानूनों का जो पालन कर रही हैं, तो रेगुलर जो चेकअप हैं वो जरूरी हैं. तो गाइस, जो जो चीज़ें हमने इस लेसन के अंदर पढ़ी हैं, जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के अंदर, पोल्यूशन, टाइप ऑफ पोल्यूशन और मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशंस और वाटर पोल्यूशंस, लैंड पोल्यूशंस और नॉइज पोल्यूशंस. तो लेट्स स्टार्ट द मेमोरी प्लस. ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. द कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, लैंड, एयर एंड वाटर बाय वेस्ट, स्मोक, केमिकल एंड other harmful substances is called pollution. Air pollution is the cause of number of disease pertaining to our lungs and eyes. The main cause of land pollution are open dumping of garbage, cutting of trees, industrial waste and wrong agriculture practices. Noise pollution not only affect human beings but birds and animal also. So guys, exercise mein aapne A, B, C self solve karna hai, D, B self solve karna hai. ई का जो आपके क्वेश्चन आंसर है उनको आपको सेंड कर दिया जाएगा. वैसे तो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइजेस है वो आपको उसके सोल्यूशन को आपको सेंड कर दिया जाएगा, उस जिसे आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बार बार वीडियो को देखें ताकि आप लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. हैव अ नाइस डे.